खोल चुकी है और इसको दूसरे भगोने में, बड़े भगोने में पलटी मार दिया। एक चाय को उछाल रहे हैं। और भैया आपको कितना साल हो गया चाय बनाते हुए? तो फ्रेंड्स इनके ये कमाल की कारीगरी को देख, तो भैया सबसे पहले व्यूवर्स को अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भीम सिंह भाई। भैया का नाम है भीम सिंह भाई। और ये देखिए फ्रेंड्स 18 लीटर दूध भगोने में इस वक्त भैया ऐड कर चुके हैं। आज मैं जहाँ आया हूँ यहाँ की चाय की कुछ टेस्ट ही बहुत अलग है। फ्रेंड्स जो चाय है वो गर्म हो चुकी है, खोल चुकी है और इसको दूसरे भगोने में, बड़े भगोने में पलटी मार दिया इन्होंने दूध को। और अभी इस भगोने के अंदर ये चाय बनने वाली है। देखिए जो कोयले की मात्रा है अब वो बढ़ाई जा रही है ताकि चूल्हे में ज़्यादा फ्लेम आए ज़्यादा। और ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स अभी इन्होंने चाय पत्ती ऐड कर दिया है। और देखिए जो छोटे पतीले से दूध पलटी मारा था बड़े भगोने में, वो भगोना इन्होंने वापस से चूल्हे के ऊपर रख दिया है चाय पत्ती ऐड करके। और अब जो है प्रिपरेशन इसकी फिर से स्टार्ट होगी। और अब इसको वापस से भैया पलटे से चला रहे हैं। और मुझे लगता है इसी कलछे से अब भैया इस चाय को बढ़िया से चलाएंगे। और मुझे लगता है दोस्तों ये जो भैया के हाथ में कलछा है उससे भैया चाय को उछालने वाले, यानी चाय को तोड़ फोड़ के रख देंगे। और ये देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो भैया ने पगड़ी बांधी है ना, ये गुजरात की स्पेशल वाली पगड़ी है। और इनका कहना है कि पगड़ी में बांधता हूँ ना तब मैं चाय बनाता हूँ। तो इस पगड़ी से काफ़ी लगाव है इनका। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है चाय, बहुत ही खोल रही है। और अरे वाह क्या बात है, भैया ने चाय को बड़े मज़ेदार तरीके से उछालना चालू कर दिया है। और ये देखिए कलछे से चाय को उछाल रहे भैया। और ये इनके चाय बनाने की अपनी स्टाइल है फ्रेंड्स, और ये स्टाइल को भी देखने लायक है। ये देखिए ओह क्या बात है। बड़े जोरदार तरीके से चाय मेकिंग कर रहे हैं भैया। और ये देखिए चाय को बड़े ऊपर ऊपर उछाल रहे हैं इस वक्त। ये देखिए भैया ने कलछे से चाय को उछालना चालू कर दिया है। और भैया और उछाल सकते हैं क्या? भैया और उछालेंगे चाय को, लेकिन थोड़ी देर बाद उछालेंगे, अभी एनर्जी का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए इस वक्त भगोने में जो चाय की प्रिपरेशन चल रही है उसको भैया पलटे से चला रहे, दूध को बहुत ही अच्छे से खौला रहे हैं। मुझे चाय की कीमत बताएंगे भैया? तो एक कप चाय की कीमत है 10 रुपये फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पीने के बाद आपको बताएंगे कि कीमत और चाय कैसी लगी हमें। भैया डेली का 50-60 लीटर दूध का चाय बन जाता होगा ना? मैं तो खाली 50-60 लीटर सोच रहा था, लेकिन ये तो बता रहे 100 लीटर दूध का चाय बना करके भैया यहाँ बेच देते हैं रोज के रोज फ्रेंड्स। और तभी तो हम भी आज आए हुए हैं इनके पास चाय पीने। ये देखिए क्या बात है, ये तो बड़ा लंबा वाला शॉट मारा था इन्होंने। ये देखिए ओहो बहुत हाईटेक चाय को उछाल रहे हैं। और भैया आपको कितना साल हो गया चाय बनाते हुए? तो फ्रेंड्स इनके ये कमाल की कारीगरी को देख के मुझे लगा कि भाई बहुत पुराने होंगे, तो भैया को ये 3 साल हो चुका है चाय बनाते हुए। और आपके इस मोमाई टी स्टॉल को यहाँ पर कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। अच्छा, इनके इस मोमाई टी स्टॉल को इस जगह पर 3 साल हो चुका है फ्रेंड्स। अभी तो चाय वो मतलब।
और फ्रेंड्स इनके चाय की खासियत मैं आपको बता दूं कि चाय में कोई भी तरह का मसाला ऐड नहीं करते हैं, कोई भी इलायची पाउडर नहीं ऐड करते, बस नेचुरली जो चाय की पत्ती होती है उसी से ये कमाल की चाय बनाते हैं। और इसी कमाल की चाय को पीने के लिए यहाँ पर काफ़ी क्राउड भी आता है, जैसा कि क्राउड आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं चाय पीने का। और ये देखिए इन्होंने चाय भी एक बार टेस्ट करने के लिए ले लिया है ताकि वो टेस्ट करे और बता सके कि हाँ चाय कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए एक कटोरा चीनी बड़ा वाला भर के इन्होंने डाल दिया है चाय के अंदर। और ये एक और कटोरा इन्होंने चाय के अंदर चीनी डाल दिया इस वक्त। ये देखिए तो फ्रेंड्स चाय रेडी हो चुका है और इसे ही छानने के लिए इन्होंने एक सूती कपड़े का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में इतनी बड़ी तो छन्नी है नहीं। और ये इन्होंने बहुत ही देसी तरीके से चाय को छान भी लिया है सूती कपड़े में। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से भैया उस चाय को छान रहे हैं छोटे भगोने के अंदर। और अब इस भगोने से इस चाय को ये भर लेंगे। ये देखिए चाय पत्ती को इस वक्त भैया अच्छे से निचोड़ रहे ताकि उसमें थोड़ी सी भी चाय रहना जाए। पूरा कंप्लीट निचोड़ लिया। तो फ्रेंड्स चाय रेडी हो चुकी है और उसको इस वक्त पलटी मार रहे भैया सर्व करने के लिए हॉट केटली में। और अब ये जाएगा सर्विस टेबल पर जहाँ से ये कस्टमर को चाय सर्व करेंगे। और रोज 100 लीटर चाय बना के दूध का ये बेच देते हैं। इस चाय को पीने वाले काफ़ी है, चाहने वाले काफ़ी है, और इसीलिए आज हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बात है, बड़े माप जोक के भैया ने चाय बनाई थी, एकदम एग्जैक्ट आ गया वो हॉट केटली के अंदर। ये देखिए अब चाय रेडी हो चुकी है, पैक हो चुकी है, अब वो लेके गए सर्व करने के लिए टेबल पर। और यहाँ से भी ये चाय बिकने वाली है। तो भैया हमारे व्यूवर्स को आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि किसी को आना हो तो वो भी आके आपका कांटेक्ट करके बहुत ही इजीली यहाँ चाय पी सके। बोलिए क्या नंबर है? 7404055018 98। तो फ्रेंड्स ये इनका मोबाइल नंबर है, अगर आप दूर से आते हैं और इनके वहाँ चाय ट्राई करना है आपको, एड्रेस ना मिले तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं भी एक कप चाय ले चुका हूँ और ये कप के अंदर जो चाय है वो है 50 मिलीलीटर। और अब इसे हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा। चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि बता दूं इन्होंने कोई अलग से मसाला नहीं ऐड किया है, फिर भी चाय जो इन्होंने खोला करके दूध को बहुत ही बनाया है, चाय गाढ़ा हुआ है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर रेगुलर आने वाले इनके जो कस्टमर है उनसे पूछते हैं उन्हें कैसे यहाँ की चाय लगती है। तो भैया हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए। चावड़ा प्रकाश। चावड़ा प्रकाश, तो भैया आप आज चाय पीने कहाँ से आए हुए हैं? कामरेज से। कामरेज, यानी यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? समथिंग 40 किलोमीटर। समथिंग 40 किलोमीटर, सही है। तो चाय में क्या खास लगता है आपको? चाय अच्छी लगती है एकदम। तो देखिए चाय इन्हें बहुत अच्छी लगती है, ये 40 किलोमीटर से आज चाय पीने यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप हमेशा आते हैं?
हर संडे को आता हूँ पीने। अच्छा, हर संडे को चाय पीने के लिए यहाँ पर आते हैं, यानी काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स ये। थैंक यू सर। ओके थैंक।